अगेंस्ट 3 ईयर सीटी को लेकर के फॉर्म फिलिंग हैज़ बिन एक्सटेंडेड। आज उन्होंने आज से लेकर के अप्रैल 4th ऑफ अप्रैल मतलब 4 दिन के लिए फॉर्म फिलिंग एक्सटेंड हो गया है। जितने लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है लास्ट मोमेंट पे एक्स वाई जेड जो भी रीजंस के वजह से फॉर्म रह गया आपका, या तो आपने पेमेंट नहीं किया फॉर्म का, या तो फिर फॉर्म में कुछ आपको फिल करते हुए प्रॉब्लम हुई थी, फॉर्म फिलिंग नहीं किया आपने, तो आपके पास चांस है। ठीक है, 4 दिन का डे डे और एक्स्ट्रा डेज मिला हुआ है, भर लो फॉर्म। ये वीडियो शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को जितने लोग सी टी 3 ईयर्स लिखने वाले हैं या उनको पता ही नहीं कि सी टी लिख। बहुत लोगों का ये भी होता है कि चलो सी टी का एग्ज़ाम लिखना पड़ता है, लॉ परस्यू करना है तो महाराष्ट्र से, तो बहुत लोगों को ये पता नहीं है, या तो अब थोड़ा मतलब अब पता चलना चालू होता है लोगों को। तो भाई ये वीडियो उनको शेयर कर दो कि 4 दिन का डेट मिला है एक्स्ट्रा, फॉर्म फिलिंग कर लो। पता नहीं ये सेकेंड एक्सटेंशन है, थर्ड एक्सटेंशन आएगा कि नहीं आएगा अपने को नहीं पता। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन लोगों का आ रहा है, सर एग्ज़ाम डेट भी एक्सटेंड होगी क्या? यार देखो MBA और MCA की डेट एक्सटेंड नहीं की उन्होंने, एक जो फाइनल डेट दी है बस अब वही एग्ज़ाम लेने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि डेट एक्सटेंड होगी। और आप भी इस होप में मत रहो कि एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड होगी। ठीक है, मतलब काफ़ी डिसेंट टाइम मिला हुआ है, इनफैक्ट एग्ज़ाम आपका ऑन टाइम हो रहा है, सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़। तो प्रिपरेशन करो फुल फ्लेज में और ये होप छोड़ दो कि एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड होगी। अगर एक्सटेंड हुई, जो कि बिल्कुल भी चांस नहीं है मुझे नहीं लगता, तो वो बोनस डेज होगा अगर एक्सटेंड हुई तो, अदरवाइज देर इज नो स्कोप नो चांस कि डेट एक्सटेंड हो। ओके, बाकी प्रिपरेशन को लेके 3 ईयर्स को लेके एट सेंटर वी हैव लॉन्च दी क्रैश कोर्स। सो दादर बोरीवली वसई एंड थाने, थाने में क्रैश कोर्स नहीं है तो हाँ बोरीवली वसई एंड दादर तीनों सेंटर्स पे यू कैन विजिट द सेंटर। थाने पे 2024 की बैचेस वी हैव लॉन्च, और अगर आप मुंबई बेस्ड नहीं तो ऑनलाइन लाइव क्लास के लिए यू कैन चेक इट आउट क्रैश कोर्स को लेकर के। सारे डिटेल्स सेंटर के नंबर वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक डिस्क्रिप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट 30 डेज का प्लानर वाला मेरा वीडियो आने वाला है, तो डू वॉच दैट वीडियो, उसमें आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी वेदर यू आर मैनुअल स्टूडेंट और नॉट मैनुअल स्टूडेंट, या कैसे पढ़ाई करनी है आपको सब समझ में आ जाएगा। अपना टारगेट बहुत क्लियर है, 120 के ऊपर जाना है, GLC IELTS में अपने को एडमिशन चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, और GK पे मेहनत करना चालू कर दो, बिकॉज दैट इज द समथिंग जो ऑल टाइम आप नहीं बोल सकते कि मेरा पूरा प्रिपेयर करके हो गया है। ओके, और डेट 2nd and 3rd of May है, तो अपने पास एग्जैक्टली 1 month का टाइम बचा हुआ है, 30 डेज का टाइम, प्रिपरेशन आपकी चालू कर दो विदाउट फेल। ओके, एंड मॉक लिखना चालू कर दो, एटलीस्ट पर वीक स्टार्ट राइटिंग 3 to 4 मॉक टेस्ट, 20 मॉक है आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे। वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल का एग्जाम जो है मॉडरेट लेवल का एग्जाम होने वाला है, और मेन्यूअर का मॉक आपको 1 या 2 स्टेप टफ लगेगा, मतलब हाँ वो एक्चुअली है भी। आपने टफ लेवल पे अगर प्रिपेयर किया है तो एग्जाम आपको इतना चिंता लगेगा कि आप या तो फोड़ दोगे, या तो आप टॉप लेके आओगे, तो 120 के ऊपर जाएगा अपना स्कोर। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस। सो फॉर्म फिलिंग वन सेकेंड, फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंड हो गई है, शेयर फटाफट फॉर्म फिल करके खत्म करो, और आई कीप ऑन मीटिंग, कीप ऑन गाइडिंग विद रिगार्ड्स टू योर प्रिपरेशन। 30 डेज वाला प्लान वीडियो भी वेरी सून आई विल बी पोस्टिंग, बाकी क्रैश कोर्स को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।